बुरे सोच का बुरा नतीजा। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त सब्जी बेचने का काम करता था तो दूसरा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार था। सब्जी वाला बहुत नेक और अच्छे मन का व्यक्ति था, जबकि कुम्हार का मन और स्वभाव ठीक नहीं था। जब कभी सब्जी वाले को ज़्यादा मुनाफा मिलता तो कुम्हार मन ही मन जल भुन जाता था। एक बार दोनों दोस्तों ने यह फैसला किया कि वे एक ऊँट खरीद लेते हैं ताकि उस पर बैठकर दोनों शहर के बाज़ार में अपना अपना माल बेच सकें। तो दोनों ने मिलकर एक ऊँट खरीद लिया और अगले दिन उस पर बैठकर अपना अपना माल बेचने निकले। सब्जी वाला अपनी सब्जियों का टोकरा लेकर आगे बैठ गया और कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तनों को ऊँट के एक तरफ लटकाकर पीछे बैठ गया। ऊँट धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगा। आधे रास्ते तक पहुँचते पहुँचते ऊँट को भूख लगी। उसे तरह तरह की सब्जियों की खुशबू आ रही थी। उसने अपनी गर्दन घुमाई और सब्जी की टोकरी में से सब्जियां खाने लगा। सब्जी वाले ने अपना नुकसान होते हुए देखा, लेकिन भूखे ऊँट को उसने कुछ नहीं कहा। उधर कुम्हार ने जब देखा कि ऊँट सब्जियां खा रहा है तो मन ही मन यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि सब्जी वाले का काफ़ी नुकसान हो गया। ऊँट ने थोड़ी सब्जी खाई और वापस चलने लगा। कुम्हार हिसाब लगाने लगा कि आज वो अपने मिट्टी के बर्तन बेचेगा तो उसे खूब कमाई होगी, जबकि सब्जी वाले की कमाई कम होगी। खुशी से वो फूला नहीं समा रहा था, जबकि सब्जी वाला उदास बैठा था। आखिर शहर की मंडी में पहुंचकर ऊँट को रोका गया। ऊँट धीरे से रुका और ज़मीन पर बैठकर अपनी पीठ पर सवार मालिकों के उतरने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही दोनों दोस्त नीचे उतरे तो ऊँट ने एक ज़ोरदार करवट ली और उसकी पीठ के एक तरफ लटके सारे मिट्टी के बर्तन भर भराकर टूट गए। कुम्हार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका एक भी बर्तन साबुत नहीं बचा था। उधर सब्जी वाले की सब्जी की टोकरी में अभी भी काफ़ी सब्जियां बची रह गई थी। नेक सब्जी वाले ने अपनी सब्जियों को अच्छे दामों पर बेच दिया और दोनों ऊँट की पीठ पर सवार होकर गांव लौट आए। कुम्हार की उदासी देखकर सब्जी वाले ने अपनी कमाई में से आधा उसे देते हुए कहा, दोस्त उदास क्यों होते हो, देखना कल तुम्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। हम मिट्टी के बर्तनों को कल संभाल कर ले जाएंगे। अपने दोस्त की नेक दिली देखकर कुम्हार को अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, वरना अपना ही बुरा हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।